good morning everyone hope you all are good uh today we will do page number 35 in our little genius book this is your hindi little genius book okay and we will do चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए आपको यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं, ठीक है ठीके? और आपने इन पिक्चर्स को देखकर कर यहाँ पर जहां पर ये डैश दे रखे हैं ना फिलअप करने हैं, इनको यहाँ पर राइट करना है ठीक है बेटा यहाँ पर डेट राइट करो टुडे इज फिफ्थ ऑफ फेब्रवरी टू टू ओके आप देखो हम इसको पहले रीड करते हैं अमर डैश पहन तो ये क्या दे रखा है बेटा इसको क्या बोलते हैं घड़ी है ना तो यहां पर लिखोगे अमर घड़ी पहन ठीक है अभी तो आप ऐसे कर रहे हो ना राइट है ना इसके बाद मैम आपको जब आपके ये ई वाले बड़ी ई छोटी ई दोनों बड़ी छोटी ई तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है बड़ी ई के भी ये सब खत्म हो जाएगा ना फिर मैम आपको वर्कशीट बना के देंगी इसका जिसमें छोटी ई वाले पिक्चर्स और बड़ी ई वाले पिक्चर्स के आपने नाम लिखने हैं ठीक है बेटे अब देखो ये क्या है ये क्या होती है डफली है ना तो फिर यहाँ पर लिखो नानी डली डफ डफली लाई ई ये भी बड़ी ई होती है है ना लाई ये क्या है छतरी राम छत री अब देखो जब आ की मात्रा वाला वर्ड लिखेंगे तो यहां पर छाता लिखेंगे अब बड़े ई की मात्रा वाला वर्ड लिखना है तो इसको छतरी लिखेंगे ठीक है बेटा राम छतरी उधर रख राम छतरी उधर रख नेक्स्ट देखो ये क्या है सी टी नीता सी टी मत बजा नीता सीटी मत बजा अब देखो ये क्या है पपीता पपीता को इंग्लिश में क्या कहते हैं पपाया सो so, यहाँ पर राइट करो रानी ता पपीता।, पपीता खा रानी पपीता खा नेक्स्ट देखो ये क्या है हाथी हाथी की सवारी कर हा थी की सवारी कर नेक्स्ट देखो ये क्या है मछली नीता मछ ली मत पकड़ नेक्स्ट देखो ये क्या है छड़ी मीरा छड़ी छड़ी इधर इधर ये छोटे ई की बात छोटे ई है ठीक है इधर ला मीरा छड़ी इधर ला अब मैं आपकी एक कन्फ्यूजन दूर करती हूँ ठीक है आप लोगों को छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में कन्फ्यूजन हो रही है हो रही है ना तो अब हम देखो मैंने यहाँ पर घड़ी लिखा है घड़ी अमर घड़ी पहन हम ऐसे तो नहीं बोलते अमर घड़ी पहन अमर घड़ी पहन नानी नानी तो नहीं बोलते नानी बोलते हैं नानी तो नहीं बोलते ना राम छतरी उधर रख छतरी तो नहीं बोलते छतरी बोलते हैं है ना नित्ता तो नहीं बोलते नीता बोलते हैं रानी तो नहीं बोलते रानी बोलते हैं तो आपको थोड़ी सी ये चीज़ें अपने आप बोल के देखनी पड़ेंगी अब पपीता तो नहीं बोलते पपीता बोलते हो है ना हाथी तो जैसे तो हाथी तो नहीं बोलते ना हाथी बोलते हो तो ये चीजें आप बोलो जितनी चीजें बोलोगे ना उतनी आपकी क्लैरिटी आएगी मात्राओं की अंडरस्टैंडिंग में अब देखो जैसे हमने लास्ट पेज में किया था नीला नीला तो नहीं बोलते आप उसको नीला है ना पिल्ला तो नहीं बोलते है ना देखो किल तो नहीं बोलते रिल तो नहीं बोलते है ना ककड़ी ककड़ी तो नहीं बोलते ककड़ी बोलते हो अब जनवरी है जनवरी ऐसे छोड़ जोड़ा का जनवरी कहते हो उसको है तो ये सब चीज़ें बोलो जितना रीड करोगे किसी चीज़ को बेटे उतनी क्लैरिटी आएगी खाली मैम को सुन के क्लैरिटी नहीं आएगी आपको खुद से भी रिविजन करनी पड़ेगी ठीक है आप इनको रीड करो रीड आपने कहाँ से करना है रीड आप करोगे रीड आपने करना है सिलेबस बुक के ये बैक साइड पे जो दे रखे हैं ये आकी मात्रा है ये रिविजन के लिए दिए गए हैं रीडिंग के लिए देखो लिखा है ना पढ़िए तो यहाँ से आपने रीड करना है आ की मात्रा छोटे ई की मात्रा बड़े ई की मात्रा तभी मैं आपने आपको यहाँ से पहले स्टार्ट करवाया डायरेक्ट मैं उस बुक में भी से स्टार्ट करा सकती थी बट आपको रीड करो ठीक है अब हमने ये वाली देखो ये वाला जो हम हाँ, यहाँ तक हमने रीड कर चुके हैं ठीक है थीके? अब आपको मैं स्टडी असेंबली में मैं इसको और इसको दोनों को आपको मैं कन्फ्यूजन ये कोशिश करती हूँ कि आज मैं क्लियर कर दूँ ठीक है बच्चे ओके बाय बाय वी विल मीट सून इन आर नेक्स्ट वीडियो